हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सेवई उपमा। सेवई उपमा ये एक स्नैक्स रेसिपी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हो, बच्चों के टिफिन के लिए बना सकते हो, या शाम के हल्के फुल्के भूख में भी इसे बना के खाया जा सकता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं सेवई उपमा। इसके लिए जो जो इन्ग्रीडियंट हमें लगेंगे वो पहले हम देख लेते हैं। इसमें हमने ये 2 कप सेवइये लिया है, इसके साथ में ही 1 प्याज लिया है, 1 गाजर है, 1/2 कटोरी हमने मटर लिया है, ग्रीन पीस। ऑयल हम यूज़ करेंगे ज़रूरत के अनुसार। ये 10-12 हमने काजू लिए हैं, 1 लाल मिर्च हमने ली है, 3 हमने हरी मिर्च ली है, इसके साथ में 10-12 हमने करी लीव्स लिए हैं, 1/4 टीस्पून हमने शुगर ली है, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून हमने नींबू का जूस लिया है, ये 1/2 टीस्पून हमने राई और उड़द की दाल ली है, असाफोटिडा हींग हम लेंगे ज़रूरत के अनुसार। तो आइए बनाना शुरू करते हैं सेवई उपमा। कढ़ाई में हमने सेवैया डाल लिया है, इसमें हम ये 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ये पहले हम सेवई को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। इसे गोल्डन कलर आने तक हमें रोस्ट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सेवई को गोल्डन कलर आ चुका है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं। कढ़ाई को वापस से हमने रख लिया है गैस के ऊपर। ये 3-4 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें ये उड़द दाल और राई डाल देते हैं। गैस का फ्लेम हम धीरे ही रखेंगे। उड़द दाल को हम थोड़ा सा भून लेंगे। साथ में हम ये हींग डालेंगे, 1/4 टीस्पून हमने हींग डाला है। करी भी डालेंगे। दाल का कलर चेंज हो चुका है, अभी इसमें हम ये प्याज डाल करेंगे। दो 2-3 मिनट के लिए हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज को 2-3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। और गाजर को भी हम प्याज के साथ में 2-3 मिनट और भून लेंगे। गैस का फ्लेम हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अभी हम इसमें ये हल्दी डालेंगे, 1/4 टीस्पून। ये रेड चिली पाउडर हमने लिए है, ये डालेंगे 1/2 टीस्पून। साथ में मटर ऐड कर देंगे इसमें ग्रीन पीस। ये मेरे फ्रोजन ग्रीन पीस है, इसलिए इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। साथ में ये हरी मिर्च हमने ली है 3, ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है इसलिए हमने 3 ली है। एक हमने रेड चिली ली है और ये 10-12 हमने काजू लिए है, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। अभी जिस कप से हमने सेवैया मेजर की है इसी कप से हम पानी डालेंगे। ये हमने 2 कप सेवैया ली है इसलिए मैं इसमें 1.5 कप पानी डालती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 1.5 कप हमने इसमें पानी डाल दिया। ये 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाल लिया है, आप आपकी चॉइस के अनुसार और स्वाद अनुसार नमक डालिए। अभी इसे हम अच्छे से बॉईल आने देंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, अभी से उबाल आ चुका है। इसमें हम ये थोड़ी सी जो शक्कर हमने ली है, ये हमने टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसमें डाली है, और ये नींबू का जूस भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें अभी हम ये जो सेवैया हमने रोस्ट करके रखी है, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसके फ्लेम हम धीरे ही रखेंगे। और इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे। ये ढक्कन खोल के हम चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सेवैया को और थोड़ा पानी लगेगा, इसलिए मैंने साइड में थोड़ा पानी गर्म कर लिया है। ये वापिस से मैं आधा कप पानी लेके इसमें ऐड कर रही हूँ। पानी पहले ही ज़्यादा मत डालिए, जैसे लगता है वैसे डालिए। सेवैया अलग अलग होती है, मैं रखती हूँ वापिस से। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारी सेवैया पक चुकी है, हम चेक कर लेते हैं। तो भी ये देखिए और कितनी खिली खिली बनी है, ये भी आप देख सकते हो। सब्जियाँ भी इसमें की पक चुकी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, पूरी तरह से हमारी सेवैया पक चुकी है। तो मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ। इसे धनिया पत्ते मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। दो कप सेवैया को हमने 2 कप पानी में यूज किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेवई उपमा बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।